हेलो एवरीवन, दिस इज दिनेश सिंह मांडला। आज मैं फिर से आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ जो 8th क्लास के सिलेबस में से लिया गया है। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि हमने 8th क्लास का एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका नाम था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो हम आप हमारे यूट्यूब चैनल पे इजिली देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा न्यू चैप्टर है 8th क्लास के सिलेबस में से, जेएनके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के बुक में से, वो है हमारा फैक्टराइजेशन, जो चैप्टर नंबर 13 है। तो 8th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो जेके बोर्ड में पढ़ते हैं, वो इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज वाइज जो है वो हर एक एक्सरसाइज में कंप्लीट करेंगे। तो फैक्टराइजेशन जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 13 है। तो हम अभी शुरू करेंगे एक्सरसाइज 13.1 से। 13.1 से हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे, फैक्टराइजेशन किस तरह से की जाती है। फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर्स निकालने आने चाहिए। जैसे अगर मैं आपको सपोज करूं, दो नंबर देता हूं मैं आपको, 8 and 6, और इनके फैक्टर्स आपने करने हैं। तो 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, आपने सिंपल क्या करना है, छोटे पार्ट में इसको डिवाइड करना है। तो 2 into 2 into 2 2 into 4 4 into 8, तो ये 8 के फैक्टर्स आ गए, 2 into 2 into 2। अब सिमिलरली अगर 6 के फैक्टर्स करने होंगे तो क्या आएगा इसका, 2 into 3। ये सबसे छोटा कॉमन फैक्टर, छोटा फैक्टर है 6 का, 2 and 3। तो 2 multiply 3 = क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये इस तरह से फैक्टराइजेशन की जाती है, इस तरह से फैक्टर्स निकाले जाते हैं हर किसी टर्म के या हर किसी नंबर के। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको 2-3 टर्म्स दी जाती है, उसमें पूछा जाता है कि कॉमन फैक्टर निकालना आपने, कि कॉमन फैक्टर, इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स क्या है। अब जैसे सपोज करो मैं यही 2 एग्जांपल्स ले लेता हूं, 8 and 6। अब अगर पूछा जाए कि 8 and 6 के कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, तो 8 and 6 के कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, जो उन दोनों फैक्टर्स आपने किए हैं उसमें से जो चीज कॉमन निकलेगी वो हमारे क्या आएंगे, कॉमन फैक्टर्स आएंगे। जैसे अब 8 के कॉमन फैक्टर्स देखिए तो क्या है, फैक्टर्स देखें तो क्या है, 2 2 और 2 है, और 6 क्या है, 2 into 3 है। तो दोनों में हमें चेक करना है, दोनों में सेम चीज जो है, सेम न्यूमेरिक फैक्टर जो है, न्यूमेरिक है वो कौन से है। अब जैसे देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अब 8 के फैक्टर जो हमने निकाले थे उसमें 2 जो है वो 2 टाइम्स और है, लेकिन यहाँ पे 2 अभी और कोई भी नहीं है, क्योंकि 1 2 तो यहाँ पे हो गया, लेकिन और कोई भी नहीं है। अब 6 में देखें, 6 में यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 3 बचा है, लेकिन 3 जो है वो 8 के फैक्टर्स में नहीं आता है। तो हमारा कॉमन फैक्टर इसमें से क्या आ जाएगा, देयरफॉर कॉमन फैक्टर जो होंगे इन दोनों में से वो क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 2 ही ऐसा नंबर है जो इन दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो इसी तरह से आपने क्वेश्चन जो है वो इस एक्सरसाइज के जो है वो निकालने हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन जो है वो इसी बेस के ऊपर है। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ एक्सरसाइज 13.1 से। एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। आपको कुछ टर्म्स दी हुई हैं, उन टर्म्स के आपने क्या निकालने हैं, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 12x, और इसकी दूसरी टर्म दी हुई है 36। अब ये दो टर्म्स दी हुई है आपको, 12x and 36। तो इन दोनों में से आपने क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। तो इनके आपने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। अब कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम 12 के निकालेंगे, 12x के। तो 12x से कॉमन फैक्टर क्या आएंगे, अब 12 को हम डिवाइड जैसे किस तरह से करेंगे, 12 को 2 से करते जाओ 6, 2 से 3, 3 से 1, तो क्या आ गया इसका, 2 into 2 into 3। तो इसका 12 का क्या आ गया, 2 into 2 into 3, 2 to 4, 4 to 12। अब 12 के तो फैक्टर्स निकल गए, लेकिन पीछे हमारे पास एक वेरिएबल भी बचा है, तो वेरिएबल x है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई x हो जाएगा साथ में। अगर x स्क्वायर होता तो x स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, x जो है वो 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x स्क्वायर होता तो x मल्टीप्लाई x कर रहा था, लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पे सिंपल x है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, x के साथ। तो ये हमारे फैक्टर्स निकल गए किसके, फर्स्ट टर्म दैट इज 12x के। अब दूसरी टर्म के फैक्टर्स निकालने हैं 36 के। तो 36 के फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसी तरह से निकालेंगे 36 के, 36 सबसे छोटे टर्म से आपने इसको डिवाइड करते चला जाना है। अब जैसे 2 से करूंगा तो 2 से क्या आएगा, 2 1 2 18, फिर 2 से 9,
फिर 9 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो 9 किससे डिवाइड होगा? सबसे छोटी टर्म ऐसी कौन सी है, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे 9 डिवाइड हो जाता है? 3। तो 3 से करेंगे तो 3 जो 9 और 3 बचा तो 3 से करेंगे तो 1 आएगा। तो लास्ट में हमें वहां यहाँ पे 1 लाना है किसी तरह से भी, ठीक है। तो यहाँ पे 36 के फैक्टर्स क्या आए हैं? 2, 2, 3 एंड 3। तो 36 के लिए यहाँ पे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब यहाँ पर 36 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो आगे इसमें कुछ नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर 12 के साथ x एक वेरिएबल लगा हुआ था तो इसलिए हमने यहाँ पे x को मल्टीप्लाई किया। अब लेकिन 36 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो 36 के फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। अब इन दोनों में हमने कॉमन चीजें निकालनी है कि दोनों में कॉमन चीजें क्या है, तो कैसे निकालेंगे? अब देखिए 12x के पहले देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, 2 जो है वो कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। नीचे 36 में 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। दोनों में यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो 2 जो है वो दोनों में सेम है। मीन्स ये नंबर जो है दोनों में सेम आ रहे हैं। कॉमन का मीन क्या होता है? दोनों में सेम रहने चाहिए, जो अगर 12x में है वो 36 में भी प्रेजेंट होना चाहिए। अब 3 की में चलते हैं, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे बच गया हमारे पास x और यहाँ पे बच गया 3। अब x ना तो इसमें है और ये जो 3 यहाँ पे है वो ना इस टर्म है, तो हमारे पास ये कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये हमारे देयरफॉर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ कौन सी टर्म्स के? 12x एंड 36 इक्वल टू, कॉमन फैक्टर्स क्या आ जाएंगे इसमें? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना, आपने इसको डबल बार मल्टीप्लाई नहीं करना है कि जैसे 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है तो आपने 2 बार 2 लिख लिया। इसमें आपने जैसे ये 2 एक ये कॉमन निकल गया, दूसरा ये कॉमन निकल गया और तीसरा ये कॉमन निकल गया, तो हमारे पास कितने आ गए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। सेम वे भी किया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 2 4 4 3 12। तो ये हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट का ये आंसर आ गया कि इस तरह से कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। इसी तरह की एक और एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, सेम एग्जांपल करते हैं हम थोड़ा वेरिएबल्स को लेके। जैसे थर्ड पार्ट है, सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका थर्ड पार्ट करके बताता हूं मैं आपको कि थर्ड पार्ट जो है वो किस तरह से किया जाएगा। बाकी ऑलमोस्ट ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है। थर्ड पार्ट है 14EQ, थर्ड पार्ट 14PQ, 28P² Q²। अब ये दो टर्म्स है हमारे पास। अब इन दोनों टर्म्स में क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे पहले किया हमने, पहले नंबर जो कांस्टेंट टर्म होंगे पहले उसके फैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद वेरिएबल्स के फैक्टर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम किसका निकालेंगे? 14PQ का फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम किसका निकालेंगे? जो कांस्टेंट है। अब 14 को सेम उसी मेथड से 14 सबसे छोटी का छोटे नंबर से डिवाइड करना है इसको 2 के साथ, तो 7। अब 7 जो है वो किसके साथ डिवाइड होता है? छोटे कम से कम 2 के साथ होता नहीं है, 3 के साथ नहीं होता, 4 के साथ नहीं होता, 5 के साथ भी नहीं होता, 6 के साथ भी नहीं होता, सिर्फ ये 7 के साथ ही रहेगा। तो 7 का जो है वो 7 7। तो 14 के कितने फैक्टर्स आए आपके? 2 2 एंड 7। तो यहाँ पे क्या करना है? इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 7। ये फैक्टर्स निकलेंगे किसके? 14 के। अब दो वेरिएबल आए यहाँ पे हमारे पास, ये चीज का ध्यान रखना है। वेरिएबल्स भी आपने जो है उनका भी फैक्टराइजेशन कर रहा है। तो वेरिएबल्स यहाँ पे कितने हैं? पी और क्यू। पी भी एक है और क्यू भी एक है। अगर यहाँ पे स्क्वेयर होता पी स्क्वेयर क्यू तो पी दो होते क्यू एक होता। अगर पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर होता तो पी भी दो होते और क्यू भी दो रहते। लेकिन यहाँ पे अगर पावर क्या है इसकी? 1 1। अगर कोई भी पावर नहीं है तो उसकी पावर क्या होती है? 1 होती है। तो पी की पावर भी 1 है, क्यू की पावर भी 1 है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम? पी मल्टीप्लाई क्यू। ये फैक्टर्स निकल गए आपके 14PQ के। अब दूसरी टर्म लेते हैं 28P² Q²। अब सबसे पहले जैसे इसमें 14 के निकाले थे, इसमें 28 के पहले फैक्टर्स निकालने हैं आपने। तो 28 को कैसे करेंगे? 2 के साथ सबसे पहले छोटी टर्म, छोटे नंबर के साथ, फिर क्या आ जाएगा? 14 के साथ डिवाइड होता है, फिर 2 7 के साथ डिवाइड होता है, फिर सिमिलरली 7 जो है वो और किसी के साथ नहीं होता, अपने ही टेबल में 7 जो है वो 1 के साथ डिवाइड हो जाता है। तो 7 1 7 आ गया। तो इसके क्या आ गए? 2 2 4 4 7 28।
तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई। अब इसके आगे, अब ये तो हमने कांस्टेंट टर्म तो कर दी, लेकिन अभी क्या बचा हमारे पास, वेरिएबल्स अभी बचे हुए हैं। वेरिएबल्स को आपने ध्यान से यहां से देखना है। वेरिएबल्स कैसे हैं, पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर का मतलब, पी स्क्वायर का मतलब है पी जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां उसके फैक्टर्स में आपको 2 है, तो पी स्क्वायर का मतलब यहां पे क्या कर लेंगे, पी मल्टीप्लाई पी। अब q स्क्वायर, तो q स्क्वायर का मीनिंग क्या है, q स्क्वायर इक्वल टू q मल्टीप्लाई q, दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है q, इसलिए पावर उसकी 2 है, तो q की क्या करेंगे, q मल्टीप्लाई q। अब इसमें कॉमन फैक्टर निकालेंगे, देयरफॉर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ गिवन टर्म्स आर इक्वल टू, अब इसमें कॉमन फैक्टर, अब देखिए 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी है, ये कॉमन, ये आ गया फर्स्ट कॉमन थी, क्या आ गया 2। अब यहां पे 7 है, अब ये यहां पे 2 है, लेकिन ऊपर कोई भी वैल्यू जो है वो 2 की ओर नहीं बची है, तो 2 तो ये नहीं आएगा। अब यहां पे 7 है, यहां पे भी 7 है, तो ये दूसरा आ गया, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ। अब p जो है वो 1 यहां पे है, 1 p यहां पे भी है, तो ये p तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा p। अब q एक यहाँ पे है, यहाँ पे नीचे 2 है, लेकिन हमने एक ही करना है, हमने कॉमन चीजें निकालनी, तो कॉमन क्या आएगा, एक सिंगल q आएगा, तो मल्टीप्लाई क्या हो गया q। अब और कोई कॉमन चीज नहीं बची है, अब बचा था हमारे पास एक p बचा था, लेकिन p ऊपर और कोई भी नहीं है, p ऊपर जो 14 pq के फैक्टर में p एक ही था, तो a को हमने कॉमन कर दिया, q भी एक ही था, q के साथ q को कॉमन कर दिया, तो बचा हमारे पास और कुछ नहीं, तो क्या आ जाएगा 2 7 14 और साथ में pq, तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, कॉमन फैक्टर्स क्या निकले, 2 × 7 × p × q = इसको मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ जाएगा, 14 pq आर द कॉमन फैक्टर्स। इसी तरह बाकी ये सारे क्वेश्चन था 13.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में से, अगर इसमें से कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लेके हम उसको आपको सॉल्व करके जरूर देंगे। तो अभी मूव आउट करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ, कि सेकंड क्वेश्चन किस तरह से करना है। सेकंड क्वेश्चन भी इस तरह से, इसी तरह से है, पहले क्वेश्चन में तो हमने कॉमन फैक्टर्स निकाले थे, लेकिन अब सेकंड क्वेश्चन में हमें फैक्टराइज करना है उसको, तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, बड़ा इजी है, जरा से देखिएगा इस वीडियो को पूरा शुरू से लेके अंत तक, तो आपको ये वीडियो जो है वो इस, ये प्रॉब्लम जो है वो इजीली समझ आ जाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा फैक्टराइज, इसमें फर्स्ट पार्ट लेते हैं 7x - 42। अब पहले वाले क्वेश्चन में देखा क्या था, हमें अलग अलग टर्म्स दी हुई थी, 2 टर्म्स या 3 टर्म्स या 4 टर्म्स दी हुई थी अलग अलग करके, ठीक है, उसमें कॉमा से उसको हमने अलग सेपरेट किया हुआ था। अब यहाँ पे क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज हो गया है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स मीन्स प्लस का साइन या माइनस का साइन बीच में लग के आएगा। अब इसको हमने फैक्टराइज करना है कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम किस तरह से फैक्टराइज करेंगे। अब देखिए इसको फैक्टराइज करने के लिए, अब सबसे पहले आपने इसमें क्या चेक करना होता है कि अब कॉमन कॉन्स्टेंट टर्म कौन सी है, फर्स्ट टर्म है, अब ये कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बाइनोमियल, 2 टर्म्स वाली, 7x एक टर्म और 42 सेकंड टर्म, तो कौन सी होगी, बाइनोमियल। अब इन दोनों में कॉन्स्टेंट कौन सा है, फर्स्ट टर्म में कॉन्स्टेंट हमारे पास 7 है और सेकंड टर्म में हमारे पास कॉन्स्टेंट क्या है, 42 है, एक्स क्या है हमारा, वेरिएबल है, वेरिएबल, ठीक है, तो पहले हम कॉमन करेंगे इसमें से कॉन्स्टेंट में से। अब 7 और 42 में से कॉमन क्या आता है, देखिए 7 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो 7 किसके साथ होगा, a1 के साथ, तो आ गया, अगर 42 को करेंगे तो 42 में क्या आएगा, अगर इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 4 21, फिर 3 के साथ 7, फिर 7 के साथ 1, तो अगर इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या क्या निकलेंगे, 7 के तो कॉमन फैक्टर 7 ही आ रहा है, 7 = 7 के बराबर, लेकिन 42 के क्या निकले, 2 × 3 × 7, तो कॉमन क्या निकला है दोनों में से, 7 और 42 में से हमारा कॉमन क्या आया, सिर्फ 7 कॉमन आया, 2 और 3 इस 7 के जो हमें फैक्टर्स में जो है वो नहीं है, तो कॉमन हमारे पास क्या आया, 7 आया, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 7 को कॉमन ले लेंगे। अब 7 को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, अब 7x में से,
अगर 7x में से मैंने 7 को बाहर निकाल दिया तो पीछे क्या बचा, सिर्फ x बचा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू एक्स, बीच में साइन क्या है माइनस का। अब 42, अब 42 को हमने यहाँ पे क्या करना है, 42 को सिंपली 7 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 42 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा 8, 6 आएगा, 7, 6, 42 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे फैक्टराइजेशन होगी फर्स्ट पार्ट की 7x-42। अब देखिए इसको अगर क्रॉस चेक करना हो तो 7 × x, 7x, बीच में माइनस का साइन, 7, 6, 42। अब वो कैसे कर सकते हैं, अब यहाँ पे जैसे 6 किया हमने तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि 7 तो कॉमन आ गया, तो पीछे क्या बचा था 2 × 3, तो 2 × 3 = 6, तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7 को तो आंसर क्या आएगा हमारा 42 आएगा, ओके। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट सेकंड क्वेश्चन का, इस तरह से फैक्टराइज किया जाता है। अब अगर सेकंड क्वेश्चन के और एक हिस्सा एक दो पार्ट लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन का ही मैं लेता हूं आपका पार्ट नंबर थर्ड पार्ट, ये क्या है 7a² + 14a। अब दोनों में कांस्टेंट टर्म्स भी हैं और वेरिएबल्स भी हैं, तो कांस्टेंट टर्म कौन सी है, 7 और 14 कांस्टेंट हैं, ये दोनों क्या हैं कांस्टेंट, और ये a और a स्क्वायर और a क्या है ये वेरिएबल, ठीक है। इसका आपने ध्यान रखना है कि कांस्टेंट कौन से है और वेरिएबल कौन है। अब सबसे पहले क्या करना है, जैसे पिछले स्टेप में किया, सबसे पहले आपने कांस्टेंट टर्म में से फैक्टर्स निकालने के, उसके फैक्टर्स क्या है। अब 7 के फैक्टर क्या होंगे, 7 का फैक्टर 1 के साथ आएगा तो 7 के बराबर ही आएगा, ठीक है। 14 के तो 14 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 के साथ 7 और 7 के साथ 1, तो 14 के फैक्टर क्या आ गए 2 और 7, तो 2 × 7। अब दोनों में कॉमन क्या चीज है, 7 जो है वो दोनों में कॉमन है ये 7, तो कॉन्स्टेंट में से कॉमन क्या निकला 7, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 7 को बाहर दे देंगे, 7 बाहर आ गया, ठीक है। अब वेरिएबल को भी चेक करना है कि वेरिएबल में कोई कॉमन तो नहीं है, दोनों टर्म्स में से 7a² और 14a में वेरिएबल तो कोई कॉमन नहीं है। अब 7 के साथ a² लगा हुआ है, a² तो a² का मतलब a × a, और 14 के साथ वेरिएबल क्या लगा हुआ है a, तो a का मतलब a = a, पावर उसकी एक ही है, तो यहाँ पे अब इन दोनों में a² और a में कॉमन क्या है, a की a जो है वो कॉमन आ रहा है, तो उस a जो कॉमन आ रहा है उसको हम क्या कर लेंगे बाहर। एक चीज का ध्यान रखना, फैक्टराइज करते हुए जो भी चीज कॉमन होगी उसको आपने ब्रैकेट से बाहर कर लेना, और जो चीजें बचेंगी वो फिर आपने ब्रैकेट के अंदर उसको लिखना है। अब 7a इन दोनों में से मैंने, मुझे पता चल गया कि 7 ये दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो 7a को बाहर निकाल लिया। अब अगर पीछे क्या बचा 7a² को मैं कैसे किस तरह से लिख सकता हूँ, 7 × a × a। अब अगर 7a को मैंने बाहर ले लिया तो पीछे क्या बचा मेरे पास, a बचा, तो जो चीज बच जाएगी उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। अगर इसको मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा 7a × a 7a² वही सेम ऊपर वाली टर्म बन जाएगी। अब बीच में साइन क्या है प्लस का, तो यहाँ पे आया साइन प्लस का। अब 14a, अब 14a में से ध्यान रखना है 14a है, लेकिन 7a मैंने क्या कर लिया है कॉमन ले लिया है, ब्रैकेट से बाहर ले लिया है, तो 14a के फैक्टर्स क्या निकले थे 2 × 7 × a, ये 14a के फैक्टर्स है। अब इन दोनों में से देखिए क्या मैंने कॉमन लिया बाहर, 7a कॉमन लिया, मीन्स ये दो चीजें जो है मैंने बाहर ले ली है, 7 और a को मैंने ब्रैकेट के बाहर ले लिया, तो पीछे क्या बचा है 2, तो प्लस क्या आएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया 7a(a+2), तो 7a × a 7a² + का साइन 7 × 2 = 14a, साथ में आ जाएगा 14a, तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन सेकंड थर्ड पार्ट का, सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट। इसी तरह से आपने बाकी पार्ट भी करने हैं इसमें से, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जैसे मैंने पहले बताया कमेंट बॉक्स में जहाँ पे हमें आप मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन जो है वो नहीं समझ आ रहे हैं, हम उस क्वेश्चन को जो है वो अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन में आपको जरूर बताएंगे। अभी चलते हैं एक थर्ड क्वेश्चन पे, फर्स्ट एक्सरसाइज हम अपनी कंप्लीट कर लेते हैं इस वीडियो सेशन में।
तो थर्ड क्वेश्चन है सेम इसी तरह का क्वेश्चन है लेकिन उसमें टर्म्स जो है वो बढ़ जाएंगे। अब जहां पे जैसे दो टर्म्स और तीन टर्म्स वाले क्वेश्चन थे अब वहां पे क्या आ जाएंगे फोर टर्म्स वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट लेता हूं मैं, तो फर्स्ट पार्ट क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एट एक्स प्लस एट वाई। अब ये क्वेश्चन है, अब ये इस क्वेश्चन में कितने टर्म्स आ रही हैं? फोर टर्म्स आ रही हैं। पहले क्वेश्चन में कितनी थी? दो टर्म्स या तीन टर्म्स वाले क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें फोर टर्म्स वाले जो है वो आपने फैक्टर्स निकालने हैं। फोर टर्म्स के किस तरह से फैक्टर्स निकाले जाते हैं अगर उनको सेपरेट किया जाए विद मैथमेटिकल ऑपरेटर के साथ। जैसे यहाँ मैथमेटिकल ऑपरेटर सब में बीच में सबके बीच में क्या प्लस का साइन है, पॉजिटिव साइन है, बीच में कहीं नेगेटिव साइन भी आ सकता है, तो उस हिसाब में ध्यान रखना है। तो इसका कैसे करेंगे? अब अगर चार टर्म्स वाले क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखना है इसमें आपने पेयर में करना है, टू टू के पेयर में, मींस एक पेयर ये हो गया और दूसरा पेयर ये हो गया, दो के पेयर में आपने इसके फैक्टर्स करने हैं। अब सबसे पहले करेंगे हम पहले इस पेयर के फैक्टर। अब मैं डायरेक्ट करता हूं वो फैक्टराइजेशन वाला पार्ट आप घर में रखकर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऐसे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स वाई है, मीन्स यहाँ पे जो है इस टर्म के साथ दो एक्स है, x into x इसलिए x square है। अब यहाँ पे x और y means variable एक x है एक y है। अब इसमें से मैं x को common ले लूँ तो पीछे क्या बचेगा? अगर x को common लेनी है तो इधर कितने बचे x? एक single x बचा, तो ये आ गया x, बीच में plus का sign। अब इधर इस में क्या था? variable x और y था, लेकिन x variable को मैंने एक बार common ले लिया तो पीछे क्या बचेगा? y, तो x plus y, ये हो गया first pair का factorization। अब बीच में दूसरे पेयर का, दूसरे पेयर का फैक्टराइजेशन करने के लिए बीच में साइन दिया आप प्लस का, तो प्लस लगा लिया यहाँ पे। अब इन दोनों टर्म्स में कौन सी चीज कॉमन है? अब एट यहाँ पे भी है, एट यहाँ पे भी है, तो एट को तो सीधे सीधे कॉमन आ गया। अब वेरिएबल कोई भी कॉमन नहीं है, इधर वेरिएबल एक्स है इधर वेरिएबल वाई है, तो दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स है, तो क्या आ जाएगा फिर ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है? आपने जो ब्रैकेट्स में टर्म्स ली होंगी वो सेम आएंगी। जैसे यहाँ पे भी ब्रैकेट में टर्म एक जो फर्स्ट पेयर की आपने निकाली वो क्या आई? एक्स प्लस वाई। और जो सेकंड पेयर की आपने निकाली फैक्टराइजेशन उसमें भी क्या आई? एक्स प्लस वाई। इसमें नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? ये जो फर्स्ट पेयर का आया कॉमन उसको प्लस जो सेकंड पेयर का कॉमन आया प्लस एट, एक्स प्लस एट, और जो दूसरा पार्ट बढ़ जाएगा आपने क्या एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई दोनों सेम है तो सेम वाले ई क्यू वाले स्कूल में एक्स प्लस वाई आपका आ गया आंसर थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का। तो इसके फैक्टराइजेशन का क्या आया? एक्स प्लस एट एंड एक्स प्लस वाई। सिमिलरली एक और क्वेश्चन इसका करके बताता हूं मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसी का हम लेते हैं, जैसे कि कोई माइनस वाला लेते हैं, हाँ जैसे सेकंड पार्टी लेते हैं 15x माइनस 6xy, 15xy माइनस 6x, 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें क्या है मैथमेटिकल ऑपरेटर बीच में जो है माइनस के साइन भी दो लगे हुए हैं, तो प्लस वाले थे अभी माइनस वाले भी करके देते हैं कि माइनस वाले किस तरह से लिखा जाए। तो सिमिलरली वैसे ही दो दो के पेयर में करना है आपने, पहले ये दो पेयर फिर बाद में ये वाले दो पेयर। कैसे करेंगे इसको आप देखिए, 15 और 6 कॉमन क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म्स कौन सी है? 15 और x। तो 15 और x में से कौन से ऐसे नंबर्स निकलेंगे जो दोनों में कॉमन आएंगे? तो अगर मैं 3 को कॉमन लेता हूँ दोनों में से 3 को, और क्या है वेरिएबल कौन से है? x और y वेरिएबल है, दो वेरिएबल है 15 के साथ और एक वेरिएबल है x यहाँ पे 6 के साथ, तो एक ही वेरिएबल कॉमन आएगा दैट इज x, तो पीछे क्या बच जाएगा? अब 3x को मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 5x, 5y सॉरी। अब देखिए इस तरह से क्रॉस चेक कैसे करना है, 3 5 जा 15, x into y, xy हो गया, ऊपर वाली टर्म बचती जाएगी पूरी। अब बीच में साइन क्या है? माइनस का माइनस का। अब 6x है लेकिन कॉमन मैंने क्या लिया? 3x को कॉमन ले लिया, तो 3x को कॉमन ले लिया तो 15 में क्या बचेगा? कैसे? 3 2 जा 6 और x साथ में 6x। देर दिन का ध्यान रखना आपने क्रॉस चेक भी इसको करते जाना कि वो पहले वाले टर्म के साथ मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। अब यहाँ पे दूसरी टर्म पे आ जाते हैं, दूसरे पेयर पे, तो यहाँ पे क्या है? प्लस का साइन। अब यहाँ पे 5 है कॉन्स्टेंट, 2 है कॉन्स्टेंट, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है,
वेरिएबल यहाँ पे वाई है, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल भी कोई भी कॉमन नहीं है। तो अगर कोई भी चीज कॉमन नहीं आती है तो एक चीज जो है वो कॉमन आती है, वो कौन सी होती है? नंबर वन। तो वन जो है वो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो वन कॉमन आ गया तो पीछे क्या बचा? सेम कमी बचेगी, फाइव वाई माइनस टू। वन को मल्टीप्लाई करो फाइव वाई के साथ, फाइव वाई आएगा, और वन को मल्टीप्लाई करो माइनस टू के साथ, तो वो माइनस का टू ही आएगा। तो क्या आएगा? सिमिलरली पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। अब फर्स्ट वाले जो पेयर में था उसमें जो कॉमन निकला, और सेकंड वाले पेयर में जो कॉमन निकला, वन प्लस का साइन है तो थ्री एक्स प्लस वन। अब ये फाइव वाई माइनस टू, ये भी फाइव वाई माइनस टू, उसके एक ही बार देखेंगे फाइव वाई माइनस टू। तो ये आपका आ गया सोल्यूशन सेकंड पार्ट। तो इसी तरह से आपने ये फर्स्ट एक्सरसाइज जो 13.1 है, इसके सारे क्वेश्चन इसी तरह से करने हैं। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू एंड क्वेश्चन नंबर थ्री को, अगर इस एक्सरसाइज में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। हम उसका वीडियो जो है वो नेक्स्ट अपने ऑनलाइन सेशन में वो बना के आपको जरूर करेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।